किसान भाइयों, मैं डॉक्टर जयपाल शर्मा, सहायक प्राध्यापक वृक्ष सुधार विभाग, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी। आज हम बात करेंगे ब्यूस के उन्नत किस्म के क्लोनों की के कल्टीवेशन और एवं उसकी उपयोगिता के बारे में। ब्यूस को विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तराखंड भी एक गढ़ भैंस, हिमाचल के सिरमौर शिमला में इसको भैंस, अन्य जिलों में इसको ब्यूस, चंबा में बधा, जम्मू कश्मीर में इसको बधाई या बिसा के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः इसको हम विलो के नाम से जानते हैं और आपको भी मालूम ही है कि कश्मीरी विलो एक बहुत प्रचलित नाम है जिससे कि क्रिकेट के बैट बनते हैं। इसकी उपयोगिता अगर हम देखा जाए तो सदियों से लेकर इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है हमारी ज़िंदगी में। अगर घराट के नाले और दातुन के लिए इसको हम उपयोग में लाते हैं, इमारती लकड़ी में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जहाँ तक उद्योगों की बात है, क्रिकेट बैट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका मुख्यतः क्रिकेट बैट बनते ही इंग्लिश विलो से, जो कि एक ब्यूस की प्रजाति है। उसके साथ साथ एक दूसरा उपयोग है, इससे प्लाई बोर्ड भी बनाए जा सकते हैं। इससे एक शिटाके मशरूम इंडस्ट्री के लिए उसका सबस्ट्रेट जिस पर कि ये मशरूम उगाई जाती है, उसका बुरादा भी ब्यूस से ही तैयार किया जाता है, जिस पर ये बहुत ही अच्छी उसकी उपज हो रही है। इसी प्रकार इसके बहुपयोगी उपयोग है। ये बहुत ही अति शीघ्र बढ़ने वाला पौधा है और इसके साथ साथ इसमें कम से कम हम 10 से 15 साल के बीच भी उपज ले सकते हैं। दूसरी खासियत इसकी यह है कि अगर हम इसको एक बार काट दें तो दूसरी बार उसी पौधे से ही दूसरा पौधा तैयार हो जाता है। हमें जो है दोबारा से पौधा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी एक बार हम पौधा लगाए तो 4-5 बार हम उसी पौधे से ही दूसरे पौधे ले सकते हैं। ये बहुत ही अति शीघ्र बढ़ने वाला पौधा है, लेकिन इसकी एक कमी है कि ये नमी वाले जगह पर ही उगता है। जहाँ पर नमी है वहाँ पर इसका बहुत ही तीव्र गति से इसकी वृद्धि देखी गई है। कई बार किसान लोग का एक सवाल आता है कि हमें घासनी में ये पौधे लगाने हैं, तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि ये घासनी में पौधे अगर इसके लग भी जाए तो लग तो सकते हैं पौधे, उसको हम पानी भी दे सकते हैं, लेकिन वो उपज इस जो नमी वाले पौधे की है उससे कम ही रहेगी या बहुत देर बाद वो काटने के लिए आएगा। तो इसीलिए नमी वाली जगह इसके पौधारोपण के लिए सबसे उपयुक्त है। डॉक्टर जयपाल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका विभाग इसने ब्यूस की खेती को पॉपुलराइज करने के लिए, लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्य किया है, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमारे पास यहाँ काफ़ी सारे क्लोन्स भी हैं, कुछ उसके ऊपर थोड़ा सा आप बताएंगे। ये अगर हम स्थानीय प्रजातियों की बात लें तो पूरे भारतवर्ष में इसकी प्रजातियाँ अवेलेबल है, और स्थानीय प्रजातियों में एक अवगुण है उसकी सिदाई। उसके साथ साथ इसकी जो लकड़ी के गुण है वो उस लायक नहीं है कि जिससे कि इसको हम इंडस्ट्री में उपयोग में ला सकें। तो उसके लिए इस विश्वविद्यालय ने विदेशों से जो टेस्टेड क्लोन्स थे, टेस्टेड वेराइटियाँ थी, उनको आयातित किया कम से कम कोई 200 के करीब। फिर उसके बाद उसको यहाँ पर स्क्रीनिंग करके, यहाँ पर टेस्टिंग करके कम से कम 15-20 सालों के बाद कोई 20 वेराइटी ऐसी निकली है जो कि यहाँ के अनुकूल थी। उसको साथ लेकर हमने बहुत सारे हाइब्रिड्स डेवलप किए हैं। आज हमारे पास कम से कम कोई 300 के करीब टेस्टेड हाइब्रिड्स है जिसकी नर्सरी टेस्टिंग हो चुकी है। उसमें से कम कोई 30 हाइब्रिड्स हमारे फील्ड में आगे जा चुके हैं, जहाँ पर कि उसकी टेस्टिंग चल रही है, जो कि यहाँ के अनुकूल है। हमारे पास उन हाइब्रिड्स की डिमांड जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक और राजस्थान तक भी से भी आती है, और हम वहाँ पर ये पौधे सप्लाई करते हैं। हमारे पास सभी तरह के जगहों के लिए इसके क्लोन से, चाहे वो हाई अल्टीट्यूड एरिया जम्मू कश्मीर का हो, चाहे वो राजस्थान का इलाका हो। इसकी नर्सरी उगाने की विधि ये क्या रहती है? किसानों ने अगर अपने आप ही नर्सरी लगानी हो, किसी के पास ब्यूस का पौधा हो, प्लांट्स हो, और उन्होंने खुद इसको रेज करना हो आगे को और प्लांट्स बनाने, तो अगर आप हमारे जो दर्शक हैं उनको बता सकें इसके बारे में। सबसे पहले जो है ये एक इसकी नर्सरी उगाने के लिए हम पहले से मौजूद नर्सरी का ही पौधा हम अवेलेबल है,
क्योंकि वो एक उन्नत किस्म का पौधा होना चाहिए। एक साल पहले की शाखाओं से हम उसको लेते हैं, उसके बाद कम से कम कोई, इसको हम स्टेम कटिंग्स बोलते हैं, वो स्टेम कटिंग्स में 6 इंच की हम एक कलम लेते हैं, उसमें हम एक साइड स्लांटिंग कट और एक साइड हमारे पास बिल्कुल सीधा कट आता है। ये सीधा कट जो है ये हम सनकन बेड में मिट्टी के अंदर डालते हैं और ये कट हमारे पास सीधा ऊपर है। इसमें कम से कम कोई 5-6 हमारे पास हम छिद्र बोलते हैं, जहाँ से कि नई ग्रोथ हमारे पास आती है, ये ज़रूर होने चाहिए। यहाँ से नए अंकुर फूटते हैं और इसको हम प्लांटिंग रोड के माध्यम से ही जमीन में गाड़ते हैं। ये हमेशा सनकन बेड में तैयार होता है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास नमी की मात्रा का होना बहुत जरूरी है। इसकी जो दूरी है, इसकी दूरी 30x30 सेंटीमीटर या 30x40 सेंटीमीटर हम रखते हैं। बेड का साइज 1 मीटर बाय 120 सेंटीमीटर का हो, ताकि दोनों तरफ से इसमें कोई भी कल्चरल ऑपरेशन हो, आपने वीड्स वहाँ के निकालने हो सकें। ये कोई बहुत ही इजी टू रूट प्लांट है, जल्दी इसमें जड़ें आ जाती है, किसी हॉर्मोन्स को ट्रीटमेंट देने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये आसानी से तैयार होने वाला पौधा है। सर, आपने नर्सरी उगाने की विधि तो हमारे दर्शकों को बता दिए, कुछ प्लांटेशन जब ये पौधे इनमें जड़े आ जाएगी और ये कहीं और जगह पे ट्रांसप्लांट करना हो पौधा, तो उसका क्या टेक्निक रहता है, तो उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? उससे पहले मैं नर्सरी के बारे में बताना चाहूँगा कि नर्सरी का जब पौधा हमारे पास, इसकी नर्सरी हम जनवरी फरवरी मार्च में, जनवरी फरवरी या बहुत अधिक हो तो मार्च तक हम लगा सकते हैं, और अप्रैल मई में उसमें बहुत सारे अंकुर आते हैं, बहुत सारे हम कह सकते हैं स्प्राउटिंग वहाँ से होती है। तो हम जो मजबूत स्प्राउटिंग है उसको ही ले और बाकी को हम निकाल देते हैं, जिसको हम सिंगलिंग कहते हैं। उसके बाद जून जुलाई अगस्त उसमें भी हम एक दो बार बीच में सिंगलिंग करते हैं, साइड ब्रांचेज जो है उसको निकाल देते हैं, ताकि जो पौधा हमारे पास बचे उसमें सिर्फ एक ही शूट रहे और बिल्कुल सीधा पौधा हमारे पास नर्सरी में तैयार है। तो हम थोड़ा सिंगलिंग का देखते हैं। ये सिंगलिंग ऑपरेशन है जिसमें कि साइड ब्रांचेज हम सारी काट देते हैं। इसमें सबसे अधिक फायदा यही होता है कि पौधे की ग्रोथ सिर्फ ऊपर की ओर ही ज़्यादा बढ़ती है, इससे हमें पौधा भी स्वस्थ मिलता है और अधिक ऊंचा पौधा भी तैयार होता है। इसके अलावा अगर किसानों ने, जैसे अगर इसकी नर्सरी लगाने या प्लांट्स लगाने, कुछ और अन्य बातें हैं जो उन्हें ध्यान में रखनी होती है, कुछ मुख्य बातें? सबसे मुख्य बात है कि जो वैरायटी है, जो क्लोन है, आप कौन सा यूज कर रहे हो, उन्नत किस्म का क्लोन ही उपयोग में लाए, नहीं तो बेकार के अगर हम क्लोन उपयोग में लाएंगे तो उसमें सिर्फ आपका खर्चा ही होगा, क्योंकि उसकी ग्रोथ उस तरह की नहीं होगी। दूसरी बात, वो क्लोन उस क्षेत्र के लिए पहले से रिकमेंडेड हमारे विश्वविद्यालय द्वारा किया गया हो, उसी का ही उपयोग में लाएं। तीसरी बात, इसकी अच्छी नर्सरी के लिए पानी का होना बहुत आवश्यक है और जो सिंगलिंग ऑपरेशन बताया इसका होना बहुत ही आवश्यक है। अब हम पौधारोपण की बात करें। पौधारोपण के लिए हम एक साल की नर्सरी का पौधा हम उपयोग में लाएँ और कम से कम कोई 8 से 10 फीट वो पौधा हमारे पास होना चाहिए। पर पौधा रोपण के बारे में मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहूँगा। पहली बात कि पौधा रोपण में वहीं पर करें जहाँ पर नमी की मात्रा अधिक हो, इसलिए ये खड, नालों या कहीं ऐसी आपकी जगह, बावड़ियों के आसपास की जगह, वहाँ पर आप इसके पौधे लगाएं। पौधे की दूरी हम 5x4 में भी लगा सकते हैं,
5x5 मीटर में भी, 4x2 में भी, जैसे भी आपकी आवश्यकता या क्या वहाँ की परिस्थितियाँ, अगर आप लाइन प्लांटिंग कर रहे हैं तो 2x2 मीटर में भी पौधे हम लगा सकते हैं। सबसे पहले जो लोग इसको कृषि वानिकी के रूप में अपने खेतों में फसल के साथ इस इन पौधों को लगाते हैं, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि कम से कम 5 मीटर की दूरी रखें, क्योंकि आपने उसके साथ बीच में हल भी चलाना है, साथ में आपने ट्रैक्टर भी चलाना है, दूसरे कल्चर ऑपरेशंस भी करने हैं। और उन पौधों में आप जरूर 1 साल 2 साल के बाद एक तिहाई पौधे के साइड ब्रांचेस जो है नीचे निकाल दें, उससे पौधे की जो लकड़ी की क्वालिटी है उसके गुण बहुत अच्छे होंगे और पौधा भी सीधा ही तैयार होगा। तो पौधारोपण के लिए गड्ढे का साइज होना बहुत जरूरी है। आमतौर पर यह देखा गया है कि जब भी फलदार पौधे की हम पौधारोपण करते हैं तो उसके लिए गड्ढा बहुत अच्छा तैयार करते हैं, लेकिन जब वानिकी के पौधों की बात आती है तो उसमें हम बिल्कुल लापरवाही कर देते हैं। तो किसान भाइयों से मेरा एक अनुरोध है कि वानिकी के पौधों के लिए भी गड्ढा आप उसी तरह से करें जैसे कि फलदार पौधों के लिए। हाँ, इतना जरूर है कि हमें उतने चौड़े गड्ढे की जरूरत नहीं पड़ती है, पर कम से कम 2.5 फीट से 3 फीट का गड्ढा होना बहुत जरूरी है। तो एक बार ही हम गड्ढा तैयार करते हैं, उसके बाद 15-20 साल तक उसी गड्ढे के ऊपर निर्भर करता है कि आपके जो आपने पौधा लगाया है वो किस तरह की उसकी वृद्धि चलेगी। तो हम 2.5 से 3 फुट का गड्ढा उसमें करके, और साथ में हम उसमें गोबर, बिल्कुल सड़ा हुआ गोबर की खाद उसमें मिला दें, मिक्स कर लें पूरी तरह से, और उसी तरह से हम गड्ढे को पहले थोड़ा सा आधा भरते हैं, और उसके बाद जो है पौधा हम बिल्कुल सीधा उसमें रखें। और इसको हम बिल्कुल दबा दें, अच्छे ढंग से दबा दें, ताकि इसमें जो है कहीं भी वायु जो है एयर स्पेस ना रहे जिससे कि पौधे मर सकता है। तो और उसके बाद पानी की व्यवस्था का उचित प्रबंध वहां पर होना चाहिए। इसके आसपास हम तौलिया इसका बहुत अच्छा बनाए ताकि जो भी पानी है उसमें ही रुके, इधर उधर ना बहे, जिसका फायदा कि इस पौधे को जरूर मिलता है। जो विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किए गए हैं उनको अच्छी जगह पर लगाया जाए, नमी वाली जगह पर लगाया जाए, तो उससे बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें मिल सकती है, अच्छा बायोमास हम इससे ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक 13 साल की प्लांटेशन हमारे पास है और उसमें किस प्रकार से कम हाइट 25 से 30 मीटर है, डायमीटर हमारे पास कोई 40 से 50 सेंटीमीटर करीब पहुंच चुका है, और इस तरह की ग्रोथ हमें 12 और 13 साल में मिल सकती है। महत्वपूर्ण सवाल आता है, वो आता है मार्केट के बारे में। तो हमने भी एक कोशिश की कि इसको हम इंडस्ट्री के साथ लिंक करें अपने शोध कार्य को, और हमने प्लाईवुड के लिए प्लाईवुड इंडस्ट्री से कॉन्टेक्ट किया, और उन्होंने भी इस प्रकार से प्लाईवुड हमें तैयार करके दिए, और साथ में कहा कि आपके पास जितना भी मटेरियल है कम से कम हम पॉपुलर के रेट से तो हम खरीद सकते हैं, लेकिन अब प्लांट्स सिर्फ आपने लगाने हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट क्विंटल से नहीं बल्कि टनों के हिसाब से है। इसी प्रकार हमने बीडीएम कंपनी मेरठ से क्रिकेट बैट अपने क्लोन के बनवाए और उनके साथ भी एक लिंकेज की, लेकिन सभी की यही कहना है कि आपके क्लोन बहुत अच्छे हैं, इसके उपयुक्त है, क्रिकेट बैट के उपयुक्त है, लेकिन डिमांड उनकी टनों के हिसाब से है। इसलिए मार्केट का जो कार्य करेंगे वो किसान और इंडस्ट्री करेगी, हम उसमें जो है सहायता जितनी भी कर सकते हैं हम कर रहे हैं। एक हमारे पास बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चला हुआ है डस्ट टेस्टिंग का, जो कि बहुत किस्म एवं कृषक अधिकार संस्था प्राधिकरण द्वारा चालू है। आप लोग भी अगर आपके पास
बेहूस की कोई ऐसी प्रजातियाँ ऐसी वेराइटियाँ जिसको आप कल्टिवेट कर रहे हैं और उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है इस प्राधिकरण को भेज कर। आजकल गांव-गांव में जैव विविधता कमेटियां या समितियां बनी हुई है उनके माध्यम से आप वहां पर फॉर्म भेजें और ताकि हम आपकी वैरायटी को टेस्ट करके आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे सके और आपकी वैरायटी जो है आपकी वो रजिस्टर हो सकती है। ये बहुत अच्छी पहल है भारत सरकार द्वारा जिससे कि आपके जो ब्यूस की प्रजातियां वो भी संरक्षित रहेगी। ब्यूस से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे विभागाध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 252-324, कोड है 01752 और आप विस्तार शिक्षा निदेशालय से भी संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर है 252-426, कोड है 01752।